मुगल साम्राज्य को उसकी ऊंचाइयों तक ले जाने वाला चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा विजेता। इसने अपनी मृत्यु से पूर्व ही ओगदाई खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था। बाद में उसके पोतों ने इस साम्राज्य को चार खानदानों में बांट दिया। युआन राजवंश, चगताई खानाते, इल खान और गोल्डन हॉर्ड। चंगेज खान के इन्हीं पोतों में से एक था हलाकू खान। इसका जन्म 1217 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था और इसकी माँ का नाम सरोक्तनी बेकी था। इसकी माँ ने हलाकू और उसके भाइयों को बड़ी निपुणता से पाला था और पारिवारिक परिस्थितियों पर ऐसा नियंत्रण रखा था कि हलाकू आगे चलकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सका। 1251 में मंगू खान के नेतृत्व में मंगोल राजकुमारों के सभा में यह निर्णय लिया गया कि हलाकू को पश्चिम एशिया में इस्माइलियों को उचलते हुए जीत हासिल करनी चाहिए। इसके बाद अगर अब्बासी खलीफा हथियार न डाले तो उसकी भी ईंट से ईंट बजा दी जाए। हलाकू खान योजना के तहत 1253 की शरद ऋतु में एक बड़ी मंगोल सेना लेकर पश्चिमी एशिया की ओर निकल पड़ा। परिणाम स्वरूप 1256 के अंत तक इस्माइली महल का एक बड़ा हिस्सा हलाकू के कब्जे में आ चुका था और यहाँ तक कि इस्माइलियों का सरदार भी मंगोलों के कैद में था। आपको बताते चले कि इस्माइली सिया हथियारों एसेसिन्स का एक गिरोह था जो सीरिया और ईरान के पहाड़ों में रहा करते थे। खैर, इस्माइली सरदार को कैद करके मंगोलिया भेज दिया गया, जहां उसे ग्रेट खान के आदेश से मार दिया गया और फिर शुरू हुआ हलाकू के हाथों इस्माइली हथियारों का नरसंहार। मंगोलों ने पूरे इस्माइली गुट का सफाया कर डाला था और साथ ही पर्सिया पर उनकी पूरी पकड़ बन गई थी। इस्माइलियों के बाद हलाकू का अगला निशाना बगदाद शहर था। दजला नदी के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद अलीफ लैला और खलीफा हारून रशीद का शहर था। बगदाद का असली नाम मदीनतुल सलाम था, यानी शांति का शहर। 762 ईस्वी में दूसरे अब्बासी खलीफा अबू जाफर अल मंसूर ने राजधानी के रूप में शहर की स्थापना की थी और तभी से यह हर अब्बासी खलीफा का घर था। बताया जाता है कि उन दिनों बगदाद पूरे अरबी संस्कृति और लिखावट का केंद्र था। दुनिया भर से विद्वान, दार्शनिक, डॉक्टर और अन्य विचारक इस व्यापारिक और सांस्कृतिक विकास के केंद्र में एकत्र होते थे। इसी क्रम में ही बहुत से अरबी और यूनानी विद्वानों ने कई महान ग्रंथों का ग्रीक से अरबी में अनुवाद किया था। बहरहाल, नवंबर 1257 में हलाकू खान ने 150,000 की फौज के साथ बगदाद की तरफ कूच किया। वहां पहुंचकर उसने अपनी सेना को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांट दिया ताकि वो शहर से गुजरने वाली तजला नदी के दोनों किनारों से हमला कर सके। हलाकू खान ने हमले से पहले अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम को हथियार डालने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद खलीफा की सेना ने कुछ आक्रमकों को धोखा दिया, लेकिन अगली मुठभेड़ में ही वो हार गए। 29 जनवरी 1258 में मंगोलों ने बगदाद का घेराव कर लिया और 4 फरवरी तक वो शहर के रक्षक दीवार पर कब्जा जमा चुके थे। अब खलीफा ने हथियार डालने की सोची, लेकिन मंगोलों ने बात करने से मना कर दिया और 13 फरवरी को बगदाद शहर में घुस गए। बगदाद में घुसने के साथ ही तत्तारियों ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। पूरे एक हफ्ते तक कत्ल, लूट और रेप का सिलसिला जारी रहा। जिन नागरिकों ने भागने की कोशिश की, उन्हें भी रोक कर मारा गया या उनका बलात्कार किया गया। हाल ये था कि मंगोल की औरतें शहर के किसी भी घर में घुस जाती और बगदादी मर्दों की सर उड़ा देती और किसी की इतनी हिम्मत भी ना होती कि इनका भी मुकाबला कर सके। एक हफ्ते तक चले इस कत्लेआम में 2 से 10 लाख लोग मारे जा चुके थे और हलाकू खान ने खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए थे। उन दिनों बगदाद में एक महान पुस्तकालय था जिसमें एस्ट्रोनॉमी से लेकर मेडिसिन तक हर विषय पर अनगिनत दस्तावेज और किताबें थी। मंगोलों ने सभी को उठाकर नदी में फेंक दिया। जो लोग वहां से बचकर निकल पाए, उनका कहना था कि किताबों से बहती हुई स्याही से दजला का पानी काला हो गया था। खलीफा अल मुस्तसिम पर क्या बीती, इस पर दो अलग वर्णन मिलते हैं। यूरोप से बाद में आने वाले यात्री मार्को पोलो के अनुसार उसे सोने के महल में कैद कर भूख से मारा गया था। वहीं विश्वसनीय मंगोल और मुस्लिम स्रोतों के अनुसार उसे एक कालीन में लपेट लिया गया और उसके ऊपर से तब तक घोड़े दौड़ाए गए जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। बगदाद को खाक करने के बाद हलाकू खान की अगली मंजिल सीरिया थी, जिसके बाद उसका सामना हुआ मिस्र, इजिप्ट के ममलूकों से, और इसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब